आज जो है हम लोग ग्रोथ ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कुछ फंक्शंस दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि किसका ग्रोथ जो है ज्यादा है। चलिए इसको करने के लिए हम लोग जो अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा जो है सिलेबस में जो किताब दी गई है उसी को हम लोग उठाते हैं और यहाँ पे जो है कुछ फंक्शन दिए गए हैं। तो हेडिंग क्या होगा, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शन दिए गए हैं, लॉग एन, एन लॉग ऑफ, हाँ एन एन और एन स्क्वायर, एन क्यूब और टू टू पावर एन। ये कुछ फंक्शंस जो है दिए गए हैं और हम लोगों को जो है इसमें रेट ऑफ ग्रोथ दिखाना है। ध्यान दीजिए, लॉग को हम लोगों ने जब डिफाइन किया था तो लॉग ऑफ एक्स टू बेस वाई इज ए, इसका मतलब क्या होता है कि y टू पावर a इक्वल्स टू x। दी गई संख्या x है, उसको दिए गए आधार y पे घातों के रूप में लिखना, मतलब पावर्स के फॉर्म में लिखना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहां जो लॉग दिया गया है, यहां बेस जो है मेंशन नहीं है, तो हमने यहां पे बेस ले लेंगे हम दो। कैलकुलेशन हमारा आसान हो इसके लिए हम लोग एन की वैल्यू टू के पावर में लेंगे, तो एन टू, एन फोर, 8, 16, 32, ये n की हमने वैल्यू ली। n इक्वल्स टू 64, n इक्वल्स टू 128। देखिए तो ये 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 7 ऐसा है। और ये करने के पीछे जो है मेरा मकसद है वो यही है कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल को लगभग ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अगर आप बेस 10 लेंगे तो आपको बार बार जो है कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो टाइम जो है लगेगा। अब जो फंक्शंस दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं ऊपर। तो पहला फंक्शन दिया गया है लॉग ऑफ एन टू बेस टू, क्योंकि बेस हमने टू माना है। नेक्स्ट वन इज एन, उसके बाद एन स्क्वायर, फिर है एन क्यूब, फिर देखिए टू टू पावर एन। चलिए कुछ स्टेप करने के बाद ही हमको जो है कंसिस्टेंसी दिखने लगी। तो लॉग ऑफ 2 टू बेस 2 इज 1, एन मतलब 2, 2 टू पावर 2 डेट इज 4, 2 टू पावर 3 इज 8 और 2 टू पावर 2 इज 4। एन की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये फंक्शंस कुछ ऐसा बिहेवियर शो करेंगे। अब हम लोग एन इक्वल्स टू 4 की बात करें,
तो n इक्वल्स टू 4 की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 4 टू बेस 2 इज 2, n इज 4, 2 टू पावर 4 इज 16, फिर 4 टू पावर 3, 4 टू पावर 3 इज 64 और 2 टू पावर 4 इज 16। चलिए अब आगे आते हैं, log ऑफ 8 टू बेस 2 इज 3, दिस वन इज 8, दिस इज 8 टू पावर 2 दैट इज 64, सॉरी ये जो है 4 टू पावर 2 होगा 16। अब यहां पे 8 टू पावर 3 तो 64 इंटू 8 मल्टीप्लाई करिए 512 और 2 टू पावर 8, 2 टू पावर 8 256, n की वैल्यू लीजिए 16, तो log of 2, log of 16 to base 2 it is 4, it is 16 और n square 16 to power 2 256, फिर 16 to power 3 क्या हो जाएगा, तो 256 में 16 से गुणा करिए और 2 टू पावर 16 मतलब 256 इंटू 256, ध्यान दीजिए 256 इंटू 256, तो इसको सॉल्व करते हैं 36 3 33 3 12 और 3 15 30 3 25 28 2 12 और 6 3 10 15 5 1 5 और 6 65536। चलिए यहां तक करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि किसका ग्रोथ रेट सबसे कम है। देखिए तो log ऑफ n टू बेस 2 का ग्रोथ रेट सबसे कम है, उसके बाद ग्रोथ रेट किसका ज्यादा है, n का, उसके बाद n स्क्वायर, फिर n क्यूब, फिर 2n। चलिए इसको आप लोग लिखिए, अब अभी हमको आगे जो है ये कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां यहीं से ही जो है रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। इसको आप लोग लिखिए, अब यहां पे दो तरीके से जो बात पूछी जा सकती है कि किस इसको ऑर्डर में लिखिए, तो हम लोगों को पता है कि ऑर्डर जो है दो तरीके का होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो किसका ग्रोथ रेट सबसे कम है, तो log ऑफ n टू बेस 2 इसका ग्रोथ रेट जो है वो सबसे कम है। तो सबसे पहले कौन आएगा अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना हो तो सबसे कम ग्रोथ रेट किसका है, इट इज
लॉग ऑफ एन टू बेस टू, इससे बड़ा कौन है एन, उससे बड़ा कौन है एन स्क्वायर, इससे बड़ा कौन है एन क्यूब, और सबसे बड़ा कौन है तो टू टू पावर एन। ये हमने किस ऑर्डर में दे दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमसे अगर कहा जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले आएगा। इसको ठीक रिवर्स कर दीजिए, टू टू पावर एन, एन क्यूब, एन स्क्वायर, एन और लॉग ऑफ एन टू बेस टू। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में अगर पूछता है कि रेट ऑफ ग्रोथ बताइए, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेके चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस बात को लिख लीजिएगा कहीं कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। अब यहां से जो है कुछ कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं, मसलन लॉग ऑफ एन टू बेस टू और टू टू पावर एन। लॉग ऑफ एन टू बेस टू, इसका ग्रोथ रेट सबसे कम है, और टू टू पावर एन का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक टास्क है और इस टास्क को कंप्यूट करने के लिए मेरे पास दो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम वन और एल्गोरिदम टू। एल्गोरिदम वन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस ऑर्डर में है, तो टू टू लॉग ऑफ एन टू बेस टू के ऑर्डर में है, और एल्गो टू के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है टू टू पावर एन। ठीक है, तो होगा क्या कि आप किस एल्गोरिदम को सेलेक्ट करेंगे, तो सीधी सी बात है कि लॉग ऑफ एन टू बेस टू, इसका ग्रोथ रेट कम है, यानी ये कॉम्प्लेक्सिटी कम मानी जाएगी, और टू टू पावर एन वाली जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये बहुत बड़ी मानी जाएगी। ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन क्या होगा, लॉग ऑफ एन टू बेस टू होगा। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिए। तो रेट ऑफ ग्रोथ पे भी कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ये टू टू पावर एन जो है ये एक्सपोनेंशिएशन टाइप का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होता है, कई बार इसको कंपाउंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और कंपाउंडिंग जो है वो हमेशा बहुत तगड़ा रिजल्ट देगा। मसलन अगर आपसे कोई कहे, आपके सामने कोई दो बातें बोले कि दो ऑफर रखे, एक ऑफर ये है कि हम आपको आज 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और दूसरा ऑफर ये कहे कि हम हर दिन आपको जो है जो पैसा या रुपया जो देंगे वो पिछली बार का जस्ट पावर में देंगे, जैसे आज हमने आपको 2 रुपये दिए, कल हम आपको 4 देंगे, परसों हम आपको 16 देंगे, है ना, ऐसे चले, आज 2 दिया, कल 4, परसों 8, अगले दिन 16, ऐसे चले, तो 30वें दिन पे जो रकम आएगी वो 1 करोड़ से ज़्यादा आती है। तो आइंस्टीन ने इसको बोला था कि ये मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है कंपाउंडिंग का, ये दुनिया का सबसे बड़ा टूल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स और हैं उनको हम लोग देखते हैं। हमको कहा जा रहा है वैल्यूज निकालने के लिए, तो 26 mod 7, फिर कहा जा रहा है 49 mod 11,
फिर 2, 3, 4, 5 मॉड 6 फिर एक वैल्यू और है 34 मॉड 8 कंप्यूट करना है। तो ये चीज हम लोगों को पता है कि ये कैसे कंप्यूट होगा। मॉड मतलब रिमाइंडर डिवीजन, तो 7 से डिवीजन परफॉर्म करना है किसमें 26 में, तो 3 टाइम्स जाएगा 21, रिमाइंडर क्या आया 5, इट इज 5। 11 से रिमाइंडर डिवीजन परफॉर्म कर रही है किसमें 495 में, 4 टाइम गया 44, यहाँ पे क्या आ गया 5 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। फिर 6 18 5 तो 44 9 ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर जब यहां पे आप 5 लाएंगे तो आपको 0 ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ, तो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 5 और 8 से डिवीजन 4 टाइम्स रिमाइंडर 2। तो ये रिमाइंडर डिवीजन हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज रिमाइंडर डिवीजन, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि x equals to q into y plus r, इसको लिखिए, चलिए अभी हम लोगों ने जो मॉडुलर डिवीजन देखा है, यहां पॉजिटिव नंबर था जिसमें हमें डिवीजन परफॉर्म करना था, अगर नंबर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, जैसे कुछ ऐसा दिया गया, तो इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो पहले तो हम लोग मॉड ऑफ के निकाले, तो मॉड ऑफ के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, फिर के मॉड एम निकालिए। अब हमको क्या मिलेगा यहां से, आर डैश, इफ आर डैश इज 0 देन रिमाइंडर इज 0, else remainder क्या सेट हो जाएगा m माइनस r डैश, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, इसके ऊपर बेस्ड जो है हम लोग न्यूमेरिकल देखें, तो न्यूमेरिकल है माइनस 26 मॉड 7, माइनस 26 मॉड 7, तो आर डैस कैसे निकलेगा, मॉड 7, तो 26
मॉड 7, तो 5 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 5, आर डैश आ गया 5, तो अब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा 7 माइनस 5 इज 2, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है माइनस 375 मॉड 8, तो आर डैश कैसे निकलेगा, तो मॉड ऑफ माइनस 371 मॉड 8, यानी 371 मॉड 8, चलिए डिवीजन करके देखते हैं, 4 टाइम्स, थ्री, तो आर डैश क्या आएगा यहां से 3, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा 8 माइनस 3 दैट इज 5, इसको भी आप लोग लिखिए। अगला एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद, वो प्रॉब्लम क्या है, माइनस थर्टी नाइन मॉड 3, आर डैश कैसे निकलेगा, तो मॉड ऑफ माइनस 39 मॉड 3, इट इज 39 मॉड 3 एंड 0, ध्यान दीजिए आर डैश क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा 0। चलिए इसको आप लोग लिखिए, फिर आगे चलते हैं। अब जो है हम लोग लीनियर सर्च जरा देखें, तो लीनियर सर्च में हो क्या रहा है कि बेस्ट केस कब मिलेगा, व्हेन की इज एट फर्स्ट इंडेक्स, वर्स्ट केस कब मिलेगा, व्हेन की इज एट लास्ट इंडेक्स, और एवरेज केस कब मिलेगा, व्हेन की इज एट मिडिल इंडेक्स, ठीक है, ये चीज हम लोगों को पता है, और आप लोग जब सी प्रोग्रामिंग पढ़े थे तो आप लोगों ने लीनियर सर्च का प्रोग्राम जो है बनाया होगा। अब यहां पे जो है एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, प्रॉब्लम जो है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं।
प्रॉब्लम क्या है कि कंसीडर द लीनियर सर्च एल्गोरिदम, कंसीडर द लीनियर सर्च एल्गोरिदम विच फाइंड्स द लोकेशन एल ओ सी, विच फाइंड्स लोकेशन एल ओ सी एंड की अब हमको जब हम लोगों ने लीनियर सर्च पढ़ा था तो हम लोग केवल की को सर्च करके और मैसेज प्रिंट करा दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि आपको की जो है अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो किस लोकेशन पे है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि एक एल्गोरिदम आप लोग डिजाइन करिए। तो चलिए हम लोग इनिशियली लोकेशन को इनिशियलाइज कर दें जीरो से, और हमारा एजम्पशन ये है कि एरे में जो इंडेक्स है वो शुरू हो रहा है वन से। हमने कहा 10, 20, 30, 40 और 50। तो हमने लोकेशन को इनिशियलाइज कर दिया है जीरो से, और ये लोकेशन जो है किसका लोकेशन स्टोर करेगा बेसिकली, तो जिस की को हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि लोकेशन को हमने अभी कौन सी वैल्यू दी है तो जीरो दिया है, तो लोकेशन का इंडेक्स जीरो है और इस एरे ए में जो है आपको कहीं पर भी जीरो इंडेक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इस एरे की साइज हम मान लेते हैं कि साइज ऑफ एरे इज एन, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू वन टू एन, ठीक है। हम लोग एक लूप चला रहे हैं एक से लेके कहां तक, एन तक। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू के, तो लोकेशन को हम लोग किससे अपडेट कर देंगे, आई से। और मान लीजिए कि की हमको मिल गई तो हम लोग लूप को क्या कर देंगे, लूप से बाहर आ जाए। तो हमने लिखा है एग्जिट फ्रॉम लूप और चौथे में जो है हम इसको चेक कर लें कि किस इंडेक्स पे है। तो इफ लोकेशन इज जीरो तो हम लोग प्रिंट कर दें की नॉट क्या फाउंड, एल्स प्रिंट क्या, तो की फाउंड एट एल ओ सी, और हमारा एल्गोरिथम क्या हो जाए स्टॉप। तो इसके पहले जब हम लोग अमूमन लीनियर सर्च कराते थे तो केवल एक मैसेज हम लोग प्रिंट करा देते थे कि आइटम हमको मिला है या नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि आप लीनियर सर्च के बारे में हमको ये भी बताइए कि अगर आइटम मिल रहा है तो वो किस लोकेशन पर मिल रहा है, लोकेशन भी हमको साथ में चाहिए। तो इस काम को पूरा करने के लिए मैंने ये एल्गोरिथम लिखा है। ध्यान दीजिए, जरा
इंडेंशन देखिए, तो फॉर लूप के नीचे जो है ये कुछ स्पेस राइट साइड में दबा हुआ है, इसका मतलब कि यहां से लेके यहां तक, इफ से लेके और ये जो एग्जिट फ्रॉम लूप कंस्ट्रक्ट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तीनों लाइन इस इफ लूप के पार्ट है। यानी जितनी बार भी ये लूप चलेगा, ठीक है, ये कंडीशन चेक होगी, और ये कंडीशन जब चेक होगी तब इस कंडीशन के ट्रू मिलने पर ये वाली लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यानी अगर इंडेंशन की बात देखिए तो इसके फार के अंदर इफ है और इफ के अंदर ये वाली स्टेटमेंट को हमने लिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे दो स्टेटमेंट होंगे, एक जो एलओसी को अपडेट कर रहा है और दूसरा लैंग्वेज का वो कंस्ट्रक्ट जो हमको लूप से बाहर निकालेगा, ठीक है। और अब ये लूप की बॉडी यहाँ बंद होगी, लूप से जब हम लोग बाहर आ रहे हैं तो हमने चेक किया है कि एलओसी की वैल्यू अगर जीरो है तो आइटम जो है हमको या की हमको नहीं मिला है, और अगर एलओसी की वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब कि आइटम सर्च हुआ है और वो किस लोकेशन पे है, तो आइटम इज अवेलेबल एट एलओसी, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने लीनियर सर्च में एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दिया कि आइटम अगर हमको मिल रहा है तो बेसिकली कहाँ मिल रहा है। अभी जो है हम लोग एक दूसरे एजेंडे पर काम करेंगे। हमारा जो दूसरा एजेंडा है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट कि इन अ गिवन एरे जो मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कहाँ पे है और उसकी क्या वैल्यू है। यानी 10, 20, 30, 40 और 50 ये जो दिए गए हैं डेटा सेट जो है, ये जो डेटा सेट है ए जिसमें ये पांच आइटम्स दिख रहे हैं, तो हमको ये पता करना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक एल्गोरिथम लिखना है, तो चलिए पहले थोड़ा सा एक वर्क करते हैं समझने के लिए। तो हमने एक एजम्पशन लिया, एजम्पशन हमने क्या लिया, एजम्पशन ये लिया कि एलओसी को हम वन सेट कर दे रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि जो मैक्स है, जो सबसे बड़ा आइटम है, इट इज लोकेटेड एट ए ऑफ एलओसी। यानी पहला आइटम जो है यही हमारे लिए क्या हो गया, सबसे बड़ा आइटम है, दिस इज आवर एजम्पशन, और इसी वजह से मैक्स में हमने ए ऑफ एलओसी रखा है और एलओसी की वैल्यू को हमने वन रखा है, दिस इज आवर एजम्पशन। एजम्पशन ट्रू भी हो सकता है, एजम्पशन फॉल्स भी हो सकता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक आवर एजम्पशन। हमें अपने एजम्पशन को क्या करना है, चेक करना है। एजम्पशन है तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर सही है तो ठीक है, और गलत है तो हमें अपने एजम्पशन को क्या करना होगा, सही करना होगा। तो मेरा अभी जो एजम्पशन है कि ये जो एरे ए दिया गया है, इस एरे ए में पांच आइटम है, और इस एरे के पहले इंडेक्स पर जो आइटम उपलब्ध है वही हमारा सबसे लार्जेस्ट आइटम है। इसलिए हमने क्या किया है कि एलओसी में रख लिया है वन, और मैक्स में हमने क्या डाल दिया है, ए ऑफ एलओसी। तो ए इज द नेम ऑफ दिस एरे। नाउ वी हैव टू चेक वेदर आवर एजम्पशन इज करेक्ट आर नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आइए, तो हम एक लूप चला रहे हैं आई इक्वल्स टू 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 एन, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे एरे की साइज कितनी है, एन है। तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, टू से लेके एन तक। और
अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, यानी आगे आने वाले नंबर अगर हमारे मैक्स से बड़े हैं, मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया है और हमें अपने एजम्पशन को करेक्ट करना है। तो एजम्पशन को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो मैक्स में असाइन कर देंगे क्या, पहले तो एलओसी को अपडेट कर दें, तो एलओसी में आ जाएगा आई और मैक्स में क्या आ जाएगा ए ऑफ एलओसी, ठीक है। और उसके बाद हम प्रिंट कर दें मैक्स इज एट एलओसी, यानी मैक्सिमम जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है विच इज स्टोर्ड इन मैक्स इज लोकेटेड एट एलओसी। अब जरा ध्यान दीजिए इस एल्गोरिदम को, और ये एल्गोरिदम यहां पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब देखिए, तो हमने एजम्पशन क्या लिया था, एजम्पशन हमने लिया था कि पहले इंडेक्स पर कौन है 10, तो ये सबसे बड़ा है मैक्स, तो यहां एलओसी क्या हो गया है, एलओसी इज 1 और मैक्स इज 10, दिस इज आवर एजम्पशन। अब हमें अपने इस एजम्पशन को क्या करना है, आगे वाले एलिमेंट्स के साथ वेरीफाई करना। तो जब आई की वैल्यू क्या हो रही है 2, तो मैक्स को जब 20 से हम कंपेयर कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि 20 इज ग्रेटर देन 10, तो अब हमारा एजम्पशन फेल हो गया, यानी मैक्स की वैल्यू क्या होगी 20 होगी और लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी अब हम यहां तक हमारा एजम्पशन क्या हो गया, सही हो गया, यहां तक हमने चीजों को करेक्ट कर लिया। फिर हम आगे आए तो मैक्स कंपेयर होगा 30 से, तो पता चलेगा 30 जो है 20 से बड़ा है, इसलिए ये हटेगा और यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो ये हटेगा, 40 होगा और यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर जब यहाँ पे आएंगे तो 40 की जगह पे क्या आएगा 50 और लोकेशन की जगह पे क्या आएगा 5, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता चला, तो हम लोगों को पता चला कि पहले तो ये देखिए कि लूप कितनी बार चल रहा है, तो यहाँ पे लूप जो है 2 to n चल रहा है, 2 to n, यानी n माइनस 1 टाइम लूप चल रहा है, ठीक है। अब इस पर एक थ्योरम है, थ्योरम ये है कि हम इसको हटा रहे हैं, थ्योरम ये है कि अगर आपके पास n आइटम्स हैं तो हम लोग n माइनस 1 कंपैरिजन में इस बात को डिसाइड कर लेंगे कि कौन आइटम सबसे बड़ा है और कौन आइटम सबसे छोटा है। तो मैं इस चीज को लिखता हूं थ्योरम, और मैथमेटिकल इंडक्शन से आप लोग इसका प्रूफ भी देख सकते हो। तो मैंने कहा इन ए लिस्ट ऑफ साइज n, n माइनस 1 कंपैरिजंस आर required, are required to find max and min of the given list. This is the theorem. कि n minus 1 comparison में हम लोग ये पता कर लेंगे कि list में कौन item सबसे बड़ा है और कौन आइटम जो है सबसे छोटा है। ध्यान दीजिए, इसके पहले मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें अपने पास 5 आइटम्स थे और ये जो लिस्ट थी वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड थी,
तो हमने जब मैक्स लिया और एलओसी लिया तो मैक्स और एलओसी कितनी बार अपडेट हुए, तो चार बार मैक्स अपडेट हुआ था और चार बार एलओसी जो है वो अपडेट हुआ था। ठीक है, चलिए तो हमको यहां से इस एग्जाम्पल से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर हम लोगों को लार्जेस्ट आइटम फाइंड आउट करना है, मींस इफ वी वांट टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट आइटम एंड द लिस्ट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द लिस्ट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर देन मैक्स एंड एलओसी विल बी अपडेटेड अप टू या टू एन माइनस वन टाइम्स। यानी मैक्सिमम टाइम अपडेशन कब होगा, तो मैक्सिमम टाइम अपडेशन मैक्स और एलओसी में तब होगा जब लिस्ट हमारी क्या होगी, जब लिस्ट हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैक्स, तब की बात। अब जरा देखिए, अगर मैं इसी लिस्ट को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने जा रहा हूं, तो जब मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, और हमारा एजम्पशन क्या होगा कि हमारा एजम्पशन ये होगा कि जो पहला आइटम है वही सबसे बड़ा आइटम है, तो हमने कहा मैक्स और एलओसी, तो एलओसी हमारा 1 हो जाएगा और मैक्स क्या हो जाएगा, ए ऑफ एलओसी दैट इज 50, तो मैक्स हमारा क्या हो गया 50। अब जब हम अपने इस एजम्पशन को बाकी डेटा आइटम्स के साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमारा एजम्पशन हमेशा सही रहेगा, यानी मैक्स और एलओसी में अपडेशन 0 टाइम होगा। इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि अगर लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और हमको मैक्स सर्च करना है तो मैक्स वेरिएबल और एलओसी वेरिएबल में जो अपडेशन है वो 0 टाइम होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एजम्पशन हमेशा सही होगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा रिवर्स केस देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हमको मिनिमम निकालना है, जैसे मैक्सिमम निकाले थे उसी अप्रोच से हम लोग मिनिमम भी निकाल सकते हैं, मिन नाम का वेरिएबल लेके। तो अगर अपने पास एक लिस्ट है जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और हमको निकालना है कि उसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो अब मिन और एलओसी में जो अपडेशन होगा वो 0 टाइम होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एजम्पशन हमेशा सही होगा। लेकिन अगर हमको कहा जाए कि मिनिमम निकालो बट लिस्ट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मिन और एलओसी में जो अपडेशन होगा वो मैक्सिमम टाइम होगा। अच्छा, तो हम लोगों ने यहां पे थ्योरम भी देख लिया, दो डेटा सेट को देखा और मैक्स और मिन की बात कर लिया। कब कास्ट ज्यादा लगेगी, तो जब मैक्स या मिन एलओसी के साथ क्या होंगे, मैक्सिमम टाइम अपडेट होंगे, तो कास्ट सबसे ज्यादा लगेगी। अब जरा देखिए, तो इस एग्जाम्पल से एक इंफॉर्मेशन और हमको मिल रही है कि जो हमारा डेटा सेट का ऑर्डर है वो हमारे एल्गोरिदम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, वो हमारे एल्गोरिदम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग
आगे चलना है। अब हम लोग आगे चलना है, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल जो है, हम लोगों को एक प्रॉब्लम देखनी है। तो प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस कर ले रहा हूँ। केवल हम प्रॉब्लम बताएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि कहा यह जा रहा है कि जो एल्गोरिथम अभी हम लोगों ने देखा है मैक्स फाइंड आउट करने का, तो इसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम लोगों को ये बताना है कि 3 डिजिट्स के नंबर है ना, तो कब सबसे कम कास्ट लगेगी, कब सबसे ज्यादा कास्ट लगेगी और कब एवरेज कास्ट लगेगी। ठीक है, 3 डिजिट्स के नंबर दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि 3 डिजिट्स के जो नंबर हैं उनको कंसीडर करिए और ये बताइए कि कब मैक्स कैलकुलेट करने में, कंप्यूट करने में हमको ज्यादा कास्ट लगेगा, कब कम कास्ट लगेगा और कब अगर एवरेज कास्ट अगर होगा तो उस एवरेज कास्ट की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लोग परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे और कल इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।